नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल टिकी स्काई पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्नाव शहर घुमाने वाला हूँ, जो कि मेरे बांगरमऊ का जिला भी है। और उन्नाव के अंदर मैं आपको उसका बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा, जो कि मेन में जो है उन्नाव की मेन रोड है, वो आपको दिखाऊंगा। और क्या है उन्नाव के अंदर, वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। और रेलवे स्टेशन भी उन्नाव का है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। वीडियो से चल रही है, वीडियो में काफी मजा आने वाला है। उन्नाव वालों, अगर आप लोग उन्नाव के रहने वाले हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, घूमना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कचहरी के पास में हैं और अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है। यहीं पे एसपी ऑफिस वगैरह भी बना हुआ है और कचहरी के पास में जितना भी सारा काम है, ऑफिशियल वर्क सारा यहीं पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप सफाई का मामला देख सकते हो, तो इस उन्नाव में, मेन सिटी में, तो काफ़ी सफाई दिखाई दे रही है। लोग आते जाते आपको अपने ऑफिस के वर्क से यहाँ आते जाते दिख रहे होंगे। और कुछ ही दुकानें हैं जो कि खाने पीने के लिए बनी हुई हैं, बाकी सभी लोगों को देख के खुशी हो रहा है कि सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और सारे लोग चलते हुए अपने आराम से जा रहे हैं। हम आए हैं ये निराला पार्क के पास में, क्योंकि उन्नाव की ये पहचान है। यहाँ पे आप किसी से पूछना उन्नाव के अंदर कोई पार्क, तो निराला पार्क का ही नाम लेगा। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन और कोरोना की वजह से निराला पार्क बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ताला भी पड़ा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे साफ सफाई देख सकते हो। निराला पार्क कितनी सफाई है, कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है ये निराला पार्क। फ्रेंड्स, ये भी निराला पार्क जो है, ये COVID-19 की वजह से अभी बंद पड़ा हुआ है। जहाँ से देख सकते हो ताला लगा हुआ है। वक्त में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे पेड़, कितना अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। तो निराला पार्क खैर तो बंद है। चलिए अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का उन्नाव, की उन्नाव कैसा लगता है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे। आप यहाँ से जो यहाँ का बड़ा पुल है, जो कि बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है, हम उसी से होकर के जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलिस ऑफिस और जिला कारागार सब यहीं आसपास में ही बना हुआ है। और ये हमने यहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ा और ये हम चलते हुए सीधे जा रहे हैं। सच में फ्रेंड्स, की लॉकडाउन ने और कोरोना ने काफ़ी ज़्यादा कहर ढाया है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी रश होता था, लेकिन अभी रश का तो नामो निशान दिखाई नहीं पड़ा है। काफ़ी कम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे रोडों पे। अब ये मोड़ आ गया है बड़े पुल पे जाने का। आप पुल पे देख सकते हो, ये पुल जो है ये काफ़ी पुराना है। मैं लगभग जब बचपन से आता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था जब भी गाड़ी आती थी इस पुल के ऊपर। और ये पुल पर हम चलते हुए जा रहे हैं। अब यहीं पुल के नीचे आपको रेलवे स्टेशन की लाइनें दिखाई दे रही हैं। सामने इधर की साइड पे देख सकते हो, वो रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और रेलवे स्टेशन से यहाँ पे अब गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम ही चल रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और कुछ गाड़ियाँ बंद भी पड़ी हुई हैं। हम उन्नाव के पुल के ऊपर हैं। फ्रेंड्स, अगर आप उन्नाव आओगे तो आपको ये पुल के दर्शन जरूर होंगे। बहुत ही पुराना पुल है। यहाँ से आप देख सकते हो कि पीछे रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कई सारी लाइनें हैं। और उन्नाव के अंदर आपको हर तरीके की गाड़ियाँ मिल जाती है। अगर आप पंजाब, अमृतसर, महाराष्ट्र, मुंबई कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको उन्नाव के प्लेटफॉर्म से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो ये अभी हम पुल के ऊपर हैं। चलिए पुल से चलते हैं अब आगे, आपको हाईवे के पास लेकर के चलते हैं उन्नाव के। चलिए आप वीडियो देखते रहिए, मज़ा आने वाली है। और अब हम इस पुल को क्रॉस करने वाले हैं। ये पुल बस ख़त्म होने को आ गया है और हम निकलेंगे जाके शास्त्री पार्क चौराहे के पास में। ये देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी अच्छा मौसम भी है, बादल भी देख सकते हो, क्योंकि धूप का ज़्यादा धूप वगैरह भी नहीं है और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। फ्रेंड, अभी हम मुड़ गए हैं दाएं तरफ। इधर ही बना हुआ है एक हाईवे, जिससे आप लखनऊ और कानपुर वगैरह जा सकते हो। यही रास्ता पुरवा मोरावा वगैरह के लिए भी गई हुई है। हम सबसे पहले इस रोड को घूमेंगे और देखते हैं क्या माहौल है। फ्रेंड्स, इस जगह पर तो आप देख सकते हो कि थोड़ा रश वगैरह है। और उन्नाव में एक नाम बड़ा फेमस है, मनोरंजन। मनोरंजन आपको यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, चाहे वो मिठाई के हों, चाहे वो फूडी हो या फिर ज्वेलर्स, बहुत सारी दुकानें मनोरंजन की। तो अगर आप उन्नाव के अंदर आते हो तो मनोरंजन स्वीट्स उन्नाव के अंदर बहुत ही फेमस है। यहाँ की मिठाइयाँ और यहाँ के छोले कुलचे और जलेबी वगैरह, चाट वगैरह बहुत फेमस है मनोरंजन की। तो उन्नाव का भी विजिट कीजिएगा तो भैया मनोरंजन स्वीट्स में जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत मज़ा आता है, बहुत चटपटा होता है यहाँ का हर चीज़। इस रोड पर आपको रश जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अगर मेन सिटी की बात करें तो वहाँ पर रश ज़्यादा रहता है। इस रोड के ऊपर आपको जितने भी बाइक्स के शोरूम वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं और कार एजेंसीज वगैरह, सभी कुछ इस रोड पर ही अवेलेबल है। आप जब कभी भी विज़िट करोगे तो आप पुरवा मोरावा रोड पर आ जाइएगा। यहीं पर आगे हाईवे भी बना हुआ है, तो अब यहाँ आ करके
चाहे वो कपड़े खरीदना हो, चाहे वो बाइक खरीदना हो, चाहे वो कार वगैरह हो, तो आपको सभी कुछ इस रोड पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम उन्नाव की बात कर रहे हैं तो उन्नाव के अंदर 6 तहसीलें हैं, जिसमें कि खुद तहसील एक उन्नाव की है, दूसरी हसनगंज, एक सफीपुर की, एक पूर्वा बीघापुर और लास्ट हमारे बांगरमुखी तहसील भी उन्नाव जिले के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर उन्नाव जिले के अंदर कुल 6 तहसीलें बनी हुई हैं। अब यहाँ पे हम जब आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन्नाटा काफ़ी है, लोगों की दुकानें भी काफ़ी कम खुली हुई हैं और यहाँ पे आप सामने बोर्ड देख सकते हो, लखनऊ, झांसी, कानपुर, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर और मैनपुरी, सभी के रास्ते आपको आगे हाईवे से मिलेंगे। सामने दोस्तों आपको ये बाईपास दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर की तरफ मुड़ती हैं। बाएं तरफ आपका पूर्वा मरावा बना हुआ है और जो रोडवेज जा रही है कानपुर के लिए, मतलब दाएं तरफ आपको कानपुर जाने का रास्ता, यहीं से आप डायरेक्टली जा सकते हो बिना शहर में एंटर किए हुए। तो बस देख सकते हो कि दाएं तरफ मुड़ रही है और यहीं के ऊपर के साइड से जाने का बना हुआ है इस बाईपास के ऊपर जाने का रास्ता, ये देख सकते हो सामने आप। हम हाईवे के पास में आ चुके हैं, ये जो ऊपर आपका हाईवे दिख रहा होगा, ये जो सामने मैंने आपको रोड दिखाई है सीधे जाती है कानपुर, और अगर आप ऊपर की साइड पे इस पट्टी पे जाते हो तो आपको लखनऊ पहुंचाएगी, मतलब उन्नाव के अंदर कानपुर लखनऊ जाने के भी रास्ते आते हो, तो आप इधर से भी जा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, पहले आपको मैंने उन्नाव घुमाया, फिर हाईवे के ऊपर मैं लास्ट में आकर आपको दिखाता हूँ किस तरीके का बना हुआ हाईवे। चलिए पहले उन्नाव के अंदर ही आपको बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा, फूड टेम्पल स्टैंडर्ड वहाँ पर लेकर के चलता हूँ, जिसमें मज़ा आने वाली देखती है। अब हम लोगों ने वापसी कर दी है, सामने बोर्ड बांगरमऊ दिखा रहा 50 किलोमीटर, हाँ दोस्तों बांगरमऊ 50 किलोमीटर है उन्नाव से। अब हम वापसी कर रहे हैं सीधे मेन सिटी के अंदर, अब हम उन्नाव को अंदर से देखेंगे, उन्नाव अंदर से कैसा, अभी हम लोगों ने तो बाहर बाहर ही घुमा है। अब यहाँ पे सामने की साइड देख सकते हो कि हीरो मोटर्स का एक बड़ा शोरूम बना हुआ है, यहाँ पे हीरो वगैरह की सारी मॉडल्स आपको सारे कलर्स में बाइक मिल जाती हैं, क्योंकि ये ज़िले के अंदर बड़ा शोरूम माना जाता है। अभी हम वापसी आ गए हैं और जा रहे हैं मेन सिटी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम मेन अपने पुल के पास में आ चुके हैं, जहाँ से हमने चढ़े थे, ये पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से मुड़ के इस तरफ गए थे। अब हम जा रहे हैं सीधे उन्नाव सिटी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन शास्त्री पार्क बना हुआ है, ये गुरुद्वारा भी बना हुआ है, ये हम तो आ गए बस स्टैंड के पास, जहाँ से आपको सरकारी रोडवेजें मिलेंगी, पूर्वा मोरावा हो, बांगरमऊ, सफीपुर और दिल्ली वगैरह जाने की बसें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं इस बस स्टैंड से। अभी हम उन्नाव के अंदर ही चल रहे हैं। अब उन्नाव में आप मेन सिटी के अंदर देख सकते हो कि सफाई उतनी ज़्यादा नहीं है और लोगों ने दुकानें जो हैं बिल्कुल रोड के किनारे लगाई हुई, जिस वजह से वाहन जो निकल रहे हैं उनमें काफ़ी जैम वगैरह लग रहा है। आप देख सकते हो कि कई सारी गाड़ियाँ हैं जो कि रोडों के पास में खड़ी हुई हैं और जैम की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि रोडों की चौड़ाई जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ये भी हमने बड़ा चौराहा क्रॉस कर लिया है, अब हम जा रहे हैं सीधे आगे छोटे चौराहे के लिए। यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि खरीदारी के लिए निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग देख सकते हो कि मास्क पहने हुए हैं और रश यहाँ पे मेन सिटी में काफ़ी कम है, क्योंकि आप कभी भी अगर ऐसे दिनों में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा रश वगैरह देखने को मिलेगा। हाँ, बड़े चौराहे छोटे चौराहे के पास में तो रश है, लेकिन यहाँ मेन सिटी के अंदर नहीं है। इस सिटी कार्ट बना हुआ है, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह, जूते, मतलब एक मॉल, छोटा मॉल टाइप का बना हुआ है। ये हम आ गए हैं अब छोटे चौराहे के पास में, यहाँ से हम चलते हुए जा रहे हैं तेज़ी से। ये आ गए हम छोटे चौराहे के पास में, यहाँ सामने देख सकते हो जॉकी स्टोर वगैरह भी बना हुआ है। तो उन्नाव भी खैर तरक्की पे है, यहाँ पे कई सारी कंपनीज़ के शोरूम वगैरह बने हुए हैं। बाकी जैसे आपको पता होगा कि उन्नाव के अंदर लेदर और मच्छरदानी वगैरह का व्यापार जो है, एक इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वो उन्नाव के अंदर ज़्यादा हैं। आपको लेदर के लिए तो उन्नाव जाना जाता है, उन्नाव कानपुर तो सब लेदर बनाने में काफ़ी फेमस हैं। दोस्तों फ़िलहाल जिस एरिया में हम चल रहे हैं ये गांधीनगर कहा जाता है, और अभी हम गांधीनगर से अपनी बाइक को लेते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो इलाहाबाद, लालगंज वगैरह की रोडें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं, और आगे सामने बना हुआ है कानपुर का टेम्पो स्टैंड, जहाँ से आप टेम्पो करके भी कानपुर जा सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हम ये कानपुर टेम्पो स्टैंड के पास में, जहाँ पे आपको कानपुर जाने के लिए टेम्पो चलते हुए जा रही आपको टेम्पो दिखाई दे रहे होंगे, और यहीं से आप कानपुर जा सकते हो। मुश्किल से 20-25 रुपये पड़ता है यहाँ से कानपुर जाने का, तो काफ़ी सुविधाएँ हैं उन्नाव के अंदर। अब चलिए आपको आगे भी दिखाता हूँ रोड कैसे क्या बना, पहले रोड काफ़ी खराब था, अभी अब अच्छा बन चुका है, ये ग्रीन टेम्पो आपको सब कानपुर वाले ही दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे घूम लेते हैं इस कानपुर रोड को। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कभी पहले आते होगे, लगभग आज से 5 से 7 साल पहले, तो
तो ये जो रोड थी काफ़ी टूटी फूटी थी कि जो टेम्पो वगैरह होते थे जब ये कानपुर के लिए जाते थे काफ़ी झरझर पड़पड़ की आवाज़ें आती थी क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब थी। यहाँ से निकलना समझ लो ऐसा लगता था कि काफ़ी बोझ टाइप का था, लेकिन अभी ये रोड बन गई है, बिल्कुल देख सकते हो कि यहाँ पे रोड काफ़ी पहले से चौड़ा हो गया है, बीच में डिवाइडर भी पड़ गया है, जिस वजह से कि कानपुर आपको पहुँचने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं, वरना पहले ये सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर है और पहुँचने में लगभग एक घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता था, लेकिन अभी आप 20 से 25 मिनट के अंदर ही कानपुर पहुँच सकते हो। रोड काफ़ी साफ़ है और ये रास्ता सीधे शुक्लागंज से होते हुए कानपुर निकलता है। तो इंतज़ार करिएगा, आपको कानपुर का भी ब्लॉग ऐसा देखने को मिलेगा। अभी हम टेम्पल स्टेट के पास में वापस आ चुके हैं, वो सामने की साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रामलीला मैदान बना हुआ है जहाँ पे दशहरे के वक्त में मेला लगता है और रावण वगैरह भी यहाँ पे फूका जाता है। अभी आगे हम चौराहे के पास में, अब हम मुड़ेंगे सीधे बाईपास वाली रोड पर जो कि लालगंज इलाहाबाद वगैरह की रोड भी इधर से बनी हुई है। इसी रोड के ऊपर सरकारी अस्पताल भी बना हुआ है उमाशंकर दीक्षित के नाम से। अब हम जा रहे हैं सीधे इस रोड पे चलते हुए, इस रोड के ऊपर आपको मेडिकल स्टोर वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह के क्लिनिक भी आपको सब इसी रोड पे देखने को मिल जाएंगे। ये सामने आपको गेट बना दिखाई दे रहा होगा जहाँ से आप लखनऊ, रायबरेली, कानपुर वगैरह जा सकते हो इस बाईपास से, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था पहले भी। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी हम बाईपास पे चल रहे हैं और यहाँ पे आपको देख सकते हो रोडवेज वगैरह वही कानपुर के लिए जा रहे हैं। ये RTO ऑफिस बना हुआ है जहाँ से आप लाइसेंस वगैरह और गाड़ी वगैरह ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ये सरकारी RTO ऑफिस बना हुआ है इसी बाईपास के ऊपर। ये मारुति सुजुकी का शोरूम भी आपको यहाँ पे बना हुआ है और ये जो रास्ता है ये गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बस्ती वगैरह भी आप इस बाईपास से जा सकते हो। दोस्तों आई थिंक मैंने आपको उन्नाव की जितनी भी रोडों का सफ़र था वो पूरा करा दिया है, चाहे वो छोटा चौराहा हो, बड़ा चौराहा हो, टेम्पो स्टैंड वगैरह हो, सभी कुछ। अभी मैं उन्नाव की गलियों से जाने वाला हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि उन्नाव में जो अंदर की रोडें हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, बिल्कुल ही जर्जर है। ये मैं बाईपास के सामने से एक रोड गई हुई है IBP चौराहे से, जो कि बाईपास से ही सामने निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोडें कितनी ज़्यादा ख़राब हैं, ये बारिश की वजह से देख सकते हो पानी भर गया है यहाँ पे। और उन्नाव के मच्छरों का हाल तो आपको पता ही होगा कि उन्नाव में बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, और मोहल्लों में अगर देखा जाए तो चाहे तालिब सराय हो और जितने भी आसपास के मोहल्ले हैं जो कि फेमस हैं उन्नाव के, यहाँ पे रोडें बहुत ख़राब हैं। अगर ज़रा सा भी बारिश हो जाता है तो जल भराव की समस्या यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। मच्छर यहाँ के तो भाई साहब फेमस है पूरे ज़िले के अंदर, ये तो आपको सबको पता ही होगा। आगे भी इस रोड के ऊपर मैं निकला था तो काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, जिससे कि लोग जो है गंदे गंदे पानी के अंदर से, कुछ लोग बेचारे पैदल जो निकल रहे थे उनको भी गंदे पानी से होकर के निकलना पड़ रहा था, और कई सारे लोग जो बाइक से निकल रहे थे वो उनको भी गाड़ी से क्या होता है छिप जा रहे थे, बिल्कुल उनके ऊपर पानी की छींटे गंदी आ जा रही थी। ये सामने देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि मोहल्लों की जो रोडें उनको सुधारना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निकलने की रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, मैं बचा करके गाड़ी को अपनी यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। और ऐसी कई सारी रोडें हैं उन्नाव के अंदर जहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल भी नहीं है, रोडें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और गंदगी भी भाई साहब बहुत अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है जो कि बिल्कुल जल से भरा हुआ है, गंदा पानी पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा है। तो मेरी अगर वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जो कि हेल्प कर सकते हैं कि रोड अच्छे से बन जाए, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके अपने उन्नाव को क्लीन बनाना है बिल्कुल, और क्लीन ऐसे तो क्लीन नहीं हो पाएगा कि ये जल भरा हुआ है। देख सकते हो कि गाड़ी भी पानी के अंदर से ही जा रही, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि पानी बचा के निकाला जाए। और दोस्तों आपको पता होगा कि हल्की फुल्की बारिश में ही इतना ज़्यादा ये भर गया था। देखा दोस्तों आपने, ये रोडें कितनी ख़राब पड़ी, बरसात जरा शुरू हुई इतना जल भराव हो गया कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। उन्नाव बाहर से की साइड से काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर आप मोहल्ले में घुसते हो तो आपको बहुत टूटी फूटी रोडें दिखाई देंगी और इस तरीके की जल भराव की समस्या आपको सब कहीं देखने को मिलेगी। तो इसमें सुधार होना चाहिए कि जो शहर के अंदर की रोडें हैं मतलब मोहल्लों की, वो तो कम से कम सुधरी होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, यहाँ पे मैं अक्सर करके आके देखता हूँ तो ये सब जल भराव की समस्या फैली भराव एक मोहल्ला है, कोई गाँव नहीं है कोई, फिर भी क्या बताया जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें वैसे में सुधार की जरूरत होनी चाहिए। अब लास्ट में हम आ चुके हैं उन्नाव जंक्शन मतलब रेलवे स्टेशन के पास में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मनोरंजन स्वीट्स मनोरंजन रेस्टोरेंट बना हुआ है। पहले भी मैंने आपको उस रोड पे मनोरंजन दिखाया था और यहाँ पे भी मनोरंजन रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है। ये सीधे बना हुआ है ये आपके रेलवे स्टेशन के पास में,
मैं बाइक को पार्क करके आपको रेलवे स्टेशन भी घुमाने वाला हूँ। चलिए बाइक को पार्क कर लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, पीछे आपको वो रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। अभी कोरोना की वजह से कुछ ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से कि सन्नाटा आपको स्टेशन पर दिख रहा होगा, वरना वैसे यहाँ पे काफ़ी रश रहता है क्योंकि हर तरीके की ट्रेन यहाँ उन्नाव से गुजरती है। चलिए आपको स्टेशन दिखाते हैं, स्टेशन अंदर से कैसा है। ये सामने आपको उन्नाव जंक्शन दिखाई दे रहा होगा और यहीं पे हम चलने वाले हैं। खैर रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको सारे यात्री दिखाई दे रहे होंगे, पीछे के साइड पे सब खड़े हुए हैं, रेल का इंतज़ार कर रहे हैं और सन्नाटा काफ़ी है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए अंदर देखते हैं। ये रास्ता गया हुआ है अंदर स्टेशन पर पहुँचने का। स्टेशन पर आप देख सकते हो कि फ़िलहाल तो कोई ट्रेनें नहीं है, काफ़ी सन्नाटा है स्टेशन के ऊपर। थोड़े बहुत आपको यात्री भी दिखाई दे रहे होंगे। लाइन आप देख सकते हो कितनी सारी बनी हुई है यहाँ पे। मेट्रो वगैरह भी इस स्टेशन पर आती है लखनऊ जाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते थे कि अंदर भी काफ़ी सन्नाटा है, लोग कोरोना से काफ़ी डरे हुए हैं, इस वजह से अंदर काफ़ी सन्नाटा था उन्नाव के रेलवे स्टेशन पर। तो भाई कोरोना चल रहा है तो बचाव तो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आई थिंक आपको उन्नाव का एक ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो कि उन्नाव के रहने वाले हैं, उनको टैग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।